हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर बीआई के डैक्स फंक्शन में कैलकुलेट फॉर्मूला। कैलकुलेट फॉर्मूला बिल्कुल सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ की तरह होता है, जैसे एक्सेल में यूज करते हैं। क्योंकि पावर बीआई में अगर सम इफ चाहिए तो आपको सम एक्स और फिल्टर को कंबाइन करके लगाना। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए कि पूजा की टोटल एमआरपी क्वांटिटी कितना है, मुझे पता करना। सिंपल, तो कैसे पता करें? तो इसके लिए हमें अगर मेजर्स में ओवरऑल चाहिए तो मेजर्स में जाते हैं और यहाँ पे पूजा क्वांटिटी के नाम से हेडिंग बनाते हैं और यहाँ पे देते हैं कैलकुलेट। अब कैलकुलेट में पहला आता है कि आपको क्या कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे करनी है सम, और सम के अंदर मुझे दे दिया, मैंने दे दिया यहाँ पे क्वांटिटी। अब बारी आती है कि ठीक है कंडीशन क्या है। तो कंडीशन में हमने सिंपल दिया कि मेरा जो एस ओ है वो एस ओ इक्वल टू पूजा होना चाहिए। और यहाँ इसमें डबल इनवर्टर कॉमा लगेगा क्योंकि थोड़ी सी एसक्यूएल की प्रैक्टिस चल रही है, इस कारण से ऐसा हो गया। एंटर प्रेस कर दे। देखिए यहाँ पे पूजा का टोटल आया, लेकिन टोटल शो कैसे करेगा? तो जाहिर सी बात है हम कार्ड के ऊपर इसको शो करेंगे। तो पूजा का टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 29 के जो कि सिर्फ पूजा का टोटल है शो कर दी। लेकिन क्या इसको हम टेबल्स में शो कर सकते हैं? हालांकि इससे पहले मैंने कभी किया नहीं है, चलिए आपके साथ हम भी सीखते हैं। तो टेबल पे आते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑल का फॉर्मूला लगाता हूँ, यानी कि यहाँ पे ऑल या फिर एस ओ के नाम से। और यहाँ पे ऑल के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया एस ओ डेटा का एस ओ, ताकि मुझे सारे सेल्स ऑफिसर का नेम आ जाए। अब मुझे यहाँ पे इसका टोटल पूजा का टोटल क्वांटिटी चाहिए जो कि 19 के आसपास था। तो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करते हैं और यहाँ पे हम देते हैं क्वांटिटी और यहाँ देते हैं फॉर्मूला कैलकुलेट का। कैलकुलेट कैलकुलेट में मुझे चाहिए सम। सम किसका चाहिए? तो सम चाहिए क्वांटिटी का। तो काउंट डेटा क्वांटिटी सेलेक्ट करके सम को मैंने क्लोज कर दिया। पहला फिल्टर जो कि है वो है कि मेरा जो एस ओ है, डेटा का जो एस ओ है वो इक्वल टू एस ओ का एस ओ होना चाहिए, मैंने ए वाली फील्ड। ऐसे दूसरा तीसरा चौथा कंडीशन भी लगा सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए। लेकिन सम में सेम आ रहा है और गलत भी आ रहा है। ओके डेटा एस ओ हो गया ना, यहाँ पे एस ओ एस ओ होना चाहिए था। ओ गड़बड़ हो गया, एस ओ एस ओ एस ओ नहीं, तो इसका मतलब है कि ये आपका किसी और टेबल पे नहीं लगेगा, किसी और टेबल पे नहीं लगेगा। तो ये हमेशा किस पे लगेगा? मेजर्स पे लगेगा। तो मेजर्स पे आप लगाने के लिए इसका यूज कर सकते हो। तो सम के जगह पे काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम जैसे चीज लगा सकते हैं। चलिए आज मैं आपको सिखाते सिखाते एक चीज और भी सीखा, क्योंकि आपका जो कैलकुलेट फॉर्मूला जो है आपका इस पे नहीं लगता, टेबल्स पे नहीं लगता है, ये हमेशा लगेगा तो मेजर्स पे लगेगा। और इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं हम जब मुझे किसी एक का टोटल चाहिए होगा, तो उस टोटल केसेस में हम इसका यूज करते हैं, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। ऐसे तीसरा क्वांटिटी, चौथा क्वांटिटी कंडीशंस यहां पे हम डालते चले जाए। तो आप इसको ट्राई कीजिए और एक चीज और ट्राई कीजिए, देखिए नीचे आपका सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। हमारे साथ ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ लाइव क्लासेस, जो कि डेली बेसिस में एक घंटे क्लास चलती है टीम्स के साथ, लाइव इंटरेक्टिव। मैं खुद आपके साथ इंटरेक्ट रहता हूँ, जिसमें आप सारे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, या फिर मेरा रिकॉर्डेड कोर्स के लिए मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।